और सुबह 10 बजे से आप लोग बैठे हुए हैं, इनमें कुछ हद में खुशियां तो हुई है, सोझ है कि गावे के तई कुल का करे लगल। इहो ना खैले से आदमी तो नहीं हल्लुक हो जाला। और सम्मानित मंच पर बैठे हुए हमारे सभी शानदार नेता और सांस्कृतिक मंच पर बैठे हुए हमारे कलाकार साथी कमलेश भैया जो मंच संभाले हुए हैं, और तमाम कलाकार साथी हमारे ये सरोज जी हैं और वीरेंद्र भारती, तमाम कलाकार साथी बैठे हुए हैं, सभी कलाकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं यहां बैठा था तो रोज गाना तैयार करके एमपी साहब सोचा कि चल के आज इसको गाऊं, लेकिन बैठते बैठते यहां बस वही बात आ जाती है कि जो सदर में गाना हुआ था वही गाइए, जो श्यामदेव प्रजापति जी बैठे हुए मंच पे, आपका भी अभिनंदन स्वागत करता हूं। बड़े पुराने कहां है भाई, अरे वाह, पुराने कहा तने हाथ उठा दलकरा, तू हमेशा हाथ पॉकेट में रखा ला। तो शानदार नेता, शानदार कार्यकर्ता है, बहुत जुझारू कर्मठ है श्यामदेव प्रजापति जी। और नेता जी के लिए हम लोगों ने यहां से लेके सैफई तक, मैनपुरी इटावा तक गलियों की खाक छाना है। तो आइए एक गीत की तरफ आपको ले चलूं। मैं जिन साथियों का नाम नहीं ले पाया हूं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं, हमारे पत्रकार साथी और ये यूट्यूबर साथी भी एकत्रित हैं, सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपील करता हूं आपसे, आज रुक जाओ, अपील करता हूं आपसे, निवेदन करता हूं आपसे, आज हिंदुस्तान की स्थिति उस चौराहे पर खड़ी है कि हिंदुस्तान का हर नागरिक ठगा महसूस कर रहा है। एक बार नहीं, दो दो बार, दो दो बार इनको राजगद्दी पर बिठा करके और देख लिया कि ये क्या करने वाले हैं। नौजवान अपनी डिग्री लेकर के रोड पर मारा मारा फिर रहा है, बहुत लड़कन का ब्याह है भाई ना होता, ब्याह ना करत हो, घर वाला ऐसे ना करत हो, कमाए लग तो करी के खियाई, ये नौकरी एक निकलबो कैला भर्ती लोग तो पेपर लीक हो गल, पेपर लीक ना भयल, ये कुल जान के पेपर आउट कर देना, सो लीक कर देना कि अगर पेपर लीक ना कर जाते तो नौकरी देवे की पड़ी। देश को फिर से गुलामी की तरफ ढकेलना चाहते हैं और आज आज इंडिया गठबंधन पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक पहचान बना करके खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने के लिए हिंदुस्तान का हर नौजवान तैयार है, खड़ा है कि इस बार हटा दो इनको, क्योंकि जो संविधान से छेड़छाड़ करेगा, जो गरीबों के अस्मिता से खेलेगा, जो नौजवान हमारे यहां मार हो गई परसों, एमपी साहब झगड़ा हो गई परसों दिन, मैं भी बुलाया गया कह रहे जरा आ जाइए, वो सब मार कर दिए हैं लड़के, बाप बेटा अपने में, कहा वो कैसे, कहा बाप अभी सर्विस कर रहा है, बेटा रिटायर्ड होके आ गया, आए मामला बड़ा पेचीदा है यार, कहा बे बाप अभी सर्विस कर रहा है, इंडियन आर्मी में है, बेटा रिटायर होके चली आल घरे, झगड़ा कर सकी कौन नौकरी हम धरवा दला, ठगा महसूस कर रहा है नौजवान। लेकिन आज एक ही रंग में पूरा हिंदुस्तान रंग गया है और सवाल जब आजमगढ़ का है तो आजमगढ़ विद्वानों की धरती है, पहलवानों की धरती है, राजनीतिज्ञों की धरती है, और एक नजर उठा करके देखा जाए तो माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की धरती मानी जाती है। और आजमगढ़ को कोई ठग नहीं सकता, उत अगले बेरिया ऐसे नहीं बह गई लोही में आम छुई गई, देखे हमारे
एमएलसी साहब कह रहे हैं कि आम पाने वाला सोच रहा है कि ये बाग मेरी है, ये बगिया हमारी है। जी नहीं, ये आजमगढ़ के लोग बड़े भावुक भी है और मौका आने पर वह ऐसी पटकनियां देते हैं कि आज इस बार ये लोग बहुत परेशान है, तिलमिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्या हारने जा रहे हैं। तो हार और जीत तो एक अलग की बात है, लेकिन कितना अंतर से हारने जा रहे हैं, इस परेशानी में ये पड़े हुए हैं। अंतर क्या है? लाखों पार। जरा हाथ उठा देना मित्रों, लाखों पार। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं आपका छोटा सा कलाकार हूं और मेरी यही परिचय है कि माननीय नेताजी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक छोटा सा सिपाही हूं और इससे ज्यादा मेरी परिचय कुछ नहीं है। अच्छा, हम गौरव बात से हम अगर विधानसभा लोकसभा में चल गए तो वह जो गनवे गाई आप बताओ जा, यहाँ ना सीखब एमएलसी साहब कुछ बोले बोले तो खाली गनवे गा के हम बैठ जाए। अकाल परसों हो सकला हम लगत है ऐसा सपना आवत है कि काल परसों हम अगर भेज जाए तो जय का कह कि अध्यक्ष जी मुझे बोलने नहीं आता, मुझे गाना हमसे सुन लीजिए तो हम के सीख दे हमारे में कहो है चाभी क्यों का गिर गई ले यही है ले ले। हाँ तनी लय बना दे हमारे वेलसी साहब का इशारा हो कि गाना लोग सुन चाहते ढेर ना, 5 मिनट तकलीफ दे। जवन बात हमारे नेता यहाँ से आपसे अपील कर रहे हैं वह बात अपने गाने के माध्यम से। अभी हमारे एमपी साहब, पूर्व एमपी साहब नंद किशोर यादव जी बैठे हुए हमारे पूर्व एमएलसी साहब इशारा कर रहे हैं कि सदर वाला ही गाना सुनाइए, दूसरा हम कलियम तो दूसरा लेके आए का पढ़वाओ के सदर वाला सुना था। आइए भाई जरा कोरस वालों को बैठा लेना। साउंड वाले और बढ़ाओ बस। आज क्या महसूस कर रहा है पूरे पूरा हिंदुस्तान और आजमगढ़ क्या महसूस कर रहा है? एक गीत जो पार्टी कार्यालय में लगातार बज रही है इस समय, कौन सी गीत है? ये सपा का रंग है, 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 जिसे देख विरोधी ये किसका रंग है? ये रंग है मुट्ठी बांध के जो थमादा जिके जौन कुछ देवे के चोरी से दे दे आचार संहिता का करी हमार तो नुकसान है बा, लेकिन एक ठे खाली फायदा हो खा जात हो और ये नुकसान का भरपाई ये फायदा से हम पूरा करत हैं कि इतना ये पकेटवा में डाल दा हाथ में मत थमावा। अच्छा, हमारे नव निर्वाचित विधान परिषद के सदस्य, यह सच्चाई है जनाब मंच और हम दल और आजमगढ़ और हमारे प्रत्याशी कितना अपने आप को वजनदार आपके आने से महसूस कर रहे हैं। जमाली साहब के नाम पर दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजा दीजिए, स्वागत करिए।
वो बेर के चुनाव में बगिया के गो हवा इहो रहल न, अभी हो हवा मन के पक्ष में, अब सपना छोड़ दे लोग, सपना छोड़ बोला मत भैया, बोले के होता हवा है परम हट जाएंगे, सपना है छोड़ दे, कौन सा रंग है, ये रंग है, ये रंग है वीर जवानों वतन दीवानों का, वतन दीवानों का। आपसे प्रश्न करता हूं, बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जंगे आजादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का उत्पात चरम सीमा पर था, उस समय लड़ाई लड़ने के लिए हिंदू मुसलमान का नारा नहीं लगा था। गाजीपुर के अमर शहीद नौजवान वीर अब्दुल हमीद का खून आज भी बॉर्डर पर दुश्मनों को ललकार ललकार के आवाज देता है कि खबरदार, अगर हमारी हद में आने की जरूरत की तो तुम्हारे पैर काट लिए जाएंगे। दूसरा, अशफाकुल्ला की कुर्बानी भूल गए, धर्म के नाम पर देश को बांटा जा रहा है, तो कबीर जी ने लिखा कि धरती क्या है, ये रंग है वीर जवानों वतन दीवानों का, और बुनकर मजदूर व्यापारी और किसानों का, लेकिन मुझे चढ़ गया सभा का रंग, दूसरी लाइन बड़ी सुंदर लाइन कटले बेटा, दूसरी लाइन इशारा किया गया, इसी रंग में रंग के बाबा साहब संदेश दिए, इसी रंग के बाबा साहब संदेश दिए, समाजवाद का अरे लोहिया जी उपदेश दिए, लेकिन मुझे चढ़ गया इंजीनियर अभिषेक साहब। भैया आप भी सम्मान किया है, इतने मुट्ठी बांध के इनके थमा दे, कैमरा में वो लोग कोई ना ऐसे बन ले रहा तो जनाई की पर्ची उर्ची है, तब मना तो नहीं कर सकते ना, इनका प्रेम है। एक लाइन, कैसा देश चाहिए और जवान क्या चाह रहा है माननीय एमपी साहब। संजोग से बाबूजी के सामने तो, और हमारे मंत्री जी आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, आप लोगों के सामने चुनाव में ही कभी कभी गाने का और सुनाने का वक्त मिलता है। और बाबूजी तो अपने जमाने के बहुत पहले, मुझे सुनने में आया है कलाकार गायक भी रहे हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के बलराम बाबू का सम्मान कर दीजिए। बाबूजी मंच पर बैठे हैं, इनके सामने इन लोगों ने बिरहा को भी बढ़ावा दिया, लेकिन देश क्या चाहता है, कैसा देश चाहिए। नागपुरिया कानून नहीं चाहिए, यहां संविधान से चलने वाला देश चाहिए, संविधान से चलने वाला अरे देश चाहिए, अरे मांग रहा है भारत, अरे मांग रहा है भारत, अरे मुझे अखिलेश चाहिए कि मुझे रंग चफा कर रंग मुझे चल एक मिनट। हमारे विधान परिषद के सदस्य